मारा है कि पहले रमेश राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी मां बेच देते। रमेश राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमेश राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं, हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमेश राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग नहीं देखी। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देखिए पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। बाकी रही खाली बेटी को बोल देते जो आपने शोर किया किसी को बता दिया तो आपको पूरे खानदान को मार देंगे। किसी की बेटी उठी आपके सामने, किसी की उठी है? भाई की उठी, मेरे भाई की उठी, मेरे भांजे की उठी, मेरे भांजे थे, अतः थे, मैं भांजे हैं और मेरी बुआ की लड़की जबरदस्त उठा के बोलेंगे। फिर वापस नहीं आई? नहीं आई, नहीं दिया, कब्जा कर लिया, अंदर घुसने नहीं दिया हमें। जब गोली करेंगे फिलिस्तीन पर जुर्म हो रहा है, इंसानियत कहां गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहां गई थी जब महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया? वहां इंसानियत नहीं दिखा। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो यहां इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहां पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब है, जब हमास रॉकेट मारता है ना तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहां जाकर गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखें, बहुत इंसानियत देखना है। तो बोलिए अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी यहां छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया, तो यहां तो नहीं बोल सकते क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पर रहिए, अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं पूरी दुनिया में देखिए।